सो हेलो एवरीवन, हमें लाइक सीएसएस का लाइक आगे का देखते हैं। हमने सीएसएस में लाइक मार्जिन पर रखा है, पैडिंग पर रखा है, एंड क्या पर रखा है हमने, हाँ मार्जिन, पैडिंग एंड बॉर्डर पढ़ा था नेक्स्ट पिछले क्लास में। एंड जो भी अगर पूरे लाइक आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं तो आप सिंपल जाके अपने हमारे चैनल पे लाइक डिकोडेड @ न्यूटन स्कूल पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। इतने सारे लेक्चर्स हमने अपलोड कर रखे हैं, लाइक HTML के लेक्चर्स 1, अपने लेक्चर्स 2, लाइक हमने फॉर्मेटिंग पढ़ा है, हमने लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ा है, लिंकिंग एंड एप्लीकेशन पढ़ रखा है, डिबगिंग पढ़ रखा है, एंड डिबगिंग HTML पढ़ा है। तो और भी HTML में भी बहुत सारे कुछ, दो तीन वीडियोज, लाइक टोटल 5 वीडियोज और आएंगे HTML में, क्योंकि HTML ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है, जितना भी कुछ था मैंने डिस्कस कर रखा है। बट एक फॉर्म वैलिडेशन होता है, फॉर्म्स क्रिएट करना होता है, ठीक है, एंड तो यही सब कुछ कुछ है, लाइक कैलेंडर्स में कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डेट्स क्रिएट करते हैं, तो ये सब HTML में बचा हुआ है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब मैं डिस्कस करूँगा। CSS में हमने अच्छा खासा लेक्चर्स पढ़ रखा है, हमने इंसर्ट पढ़ा है, CSS सिंटेक्स पढ़ा है, वैल्यूज एंड यूनिट्स पढ़े हैं, कलर्स प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, इनहेरिटेंस एंड स्पेसिफिसिटी पढ़ा है। कहीं नहीं बताया जाता इनहेरिटेंस एंड स्पेसिफिसिटी, बट मैंने बताया अपने CSS लेक्चर्स में। एंड फिर वही HTML में साइज एंड SRC सेट है, फिर क्लास एंड ऐड सेलेक्टर है CSS में। जावास्क्रिप्ट का भी लेक्चर्स आप लोग देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में हमने अच्छे से पूरे एकदम बाई स्क्रैच हमने डिस्कस किया है, लाइक जावास्क्रिप्ट लेक्चर्स को। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स पढ़ा है, ऑपरेशन इन जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा है, फंक्शन जावास्क्रिप्ट पढ़ा है। ये मैं वीडियो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, लाइक कुछ पढ़ेंगे भी बट थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वीडियो को, कि कैसे कैसे लाइक जो क्या होता है वो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, लाइक कैसे ढूंढे। लेकिन अगर जिसे जावास्क्रिप्ट पढ़ना है ना, वो सिंपल यहाँ से जाएगा, लिस्ट में देखेगा, 6 वीडियोज अवेलेबल है, व्यू फुल लिस्ट करेगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, हमने क्या किया है, अपने लाइक कुछ कुछ चेंजेस किए हैं। क्या किए हमने चेंजेस, लाइक हमने पहले लाइक लेक्चर्स 1 लेक्चर्स 2 करके लाइक वीडियोज डालते थे, तो फिर मैंने देखा कि लाइक नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं लेक्चर्स 1 एंड लेक्चर्स 2 से। क्या करते हैं, सिर्फ लाइक कंटेंट का नाम लिख देते हैं। तो नाम मैंने लिख दिया है, जावास्क्रिप्ट का ये इंट्रोडक्शन है, फिर ये वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स अगर किसी को पढ़ना है तो वो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स सिंपल पढ़ सकता है, लेक्चर्स 2 है। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट किसी पढ़ना है तो वो सिंपल कंडीशनल स्टेटमेंट सर्च करता है, उतना अच्छा तो सर्चिंग अभी हम लोग का स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, बट आप सिंपल जाके चैनल पर सर्च कर सकते हो। फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट से स्कोप एंड होस्टिंग एंड फंक्शन विद इन फंक्शन है, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट में तो बहुत सारे लेक्चर्स, उसके में टोटल में 30 to 35 वीडियो लेक्चर्स अभी करने वाला है, अभी 5 ही है, तो अभी और भी आने वाले हैं, तो इतना आप कर सकते हो, इतने अच्छे से 22 स्क्वायर बताया है। एंड अगर किसी को CSS करना है अच्छे से, तो CSS का इंसर्ट कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं CSS में, स्टार्टिंग यही होता है, कैसे हम लोग HTML में CSS को यूज़ कर सके, इनलाइन CSS, फिर आउटसाइड CSS, आउटसाइड कैसे फाइल क्रिएट करके, फिर CSS सिंटेक्स को यूज़ किया, फिर वैल्यूज एंड यूनिट्स पर आया, कलर प्रॉपर्टी पर है, कलर प्रॉपर्टी मैंने HTML में भी डिस्कस किया है, CSS में डिस्कस किया है, इनहेरिटेंस एंड स्पेसिफिसिटी पर रखा है, क्लास एंड ID सेलेक्टर पढ़ा है, बॉक्स मॉडल पढ़ा है, एंड बॉक्स मॉडल इन CSS पढ़ा है। फिर हाँ, बॉक्स मॉडल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो बॉक्स मॉडल इन CSS जो है ना, यहाँ से कंटिन्यू है, क्लास एंड ID सेलेक्टर के बाद CSS वाले लेक्चर्स में इंक्लूड है, बॉक्स मॉडल CSS, बॉक्स मॉडल CSS कंटिन्यू, बॉक्स मॉडल CSS कंटिन्यू 2। अगर आपको सिर्फ बॉक्स मॉडल पढ़ना है CSS का, तो आप यहाँ पे सिंपल बॉक्स मॉडल पे जाके व्यू फुल लिस्ट दे सकते हो, यहाँ पे बॉक्स मॉडल है। एक और वीडियोस लाइक बन चुके हैं, वो अपलोड करना बाकी है, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये CSS का हो गया, एंड HTML का तो आप देख ही सकते हो, HTML का यहाँ पे 6 वीडियोज़ है टोटल, हमने 10 वीडियोज़ करने हैं HTML के, 10 to 11 वीडियोज़ होंगे, 12 भी हो जाएंगे अगर कुछ ऐसा रहेगा, जो कुछ बताने वाला रहेगा, कुछ ऐसा फ्रेंड ने कमेंट कर दिया कि लाइक मुझे ये समझ में नहीं आया, फिर से वो वीडियो एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तो बस इतना ही है, एंड वीडियोस को देखते रहिए और अच्छे से समझिए, और जो भी प्रॉब्लम आए तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, सिंपल। तो आज हम लोग को पढ़ना है, अपनी वीडियोज में हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, हमने बॉर्डर डिस्कस किया था, बॉर्डर विद इन कलर पर रखा था, स्टाइल पर रखा था, फिर हमने बॉर्डर विद इन में कैसे ये मतलब स्टाइलिंग करते हैं, बॉर्डर को स्टाइलिंग कैसे करते हैं, डॉटेड, हिडन, नन, डैश्ड, सॉलिड। डैश्ड अगर करना हो तो डैश्ड का होता है, डॉटेड अगर करना हो तो डॉटेड यूज होता है, डबल डॉटेड होता है, डबल ये डैश्ड होते हैं इस टाइप से बॉर्डर में। फिर
फिर सॉलिड्स होते हैं, अगर सॉलिड्स प्लस इस टाइप से सॉलिड भी यूज़ किया जाता है कलर कलरिंग में, इनसेट्स होते हैं, रिजिस होते हैं, आउटसेट होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे इसे सर्च कर सकते हो आप लोग, जाके GRG में आप सब देख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल सर्च करना है गूगल पे बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज, एंड बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज पे आने के बाद आपको बहुत सारे प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, नन हिडन डॉटेड, आपको सारे का एग्जाम्पल दे दिया होगा MDN वेबडॉक में। अच्छा चलिए देख ही लेते हैं, सब कुछ अच्छे से बताते हैं। क्या करना है, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी बॉर्डर स्टाइल में आपको यहाँ पे आप सिंपल MDN वेब डॉक को फॉलो करो। MDN वेब डॉक बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट्स अगर पढ़ना है, वीडियोस के लिए तो फिर मैं बता ही रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ये डॉटेड यूज़ किया, दिस बॉक्स विद बॉर्डर अराउंड इट, बॉर्डर यहाँ पे। फिर अगर मुझे इनसेट यूज़ करना है तो ये इनसेट फर्स्ट में बॉर्डर हो गया, नीचे में बॉर्डर नहीं हुआ, मतलब एक इन यूज़ नहीं हुआ बॉर्डर लाइन। डैश्ड सॉलिड, अगर डैश्ड सॉलिड हमें यूज़ करना हो तो डैश सॉलिड का ये एग्जाम्पल है। हमें डैश्ड डबल नन का यूज़ करना है तो डैश डबल नन का ये एग्जाम्पल है। बॉर्डर स्टाइल डैश्ड ग्रूव नन डॉटेड, डैश्ड ग्रूव नन डॉटेड, नन डॉटेड एंड डॉटेड, ठीक है, इस टाइप से यूज़ किया हुआ है, नन एंड डॉटेड, सॉरी डैश्ड, समझिए डैश्ड यहाँ पे डैश्ड है, फिर ग्रूव, ग्रूव ये है, नन कोई भी चीज़ नहीं, एंड डॉटेड में ये डॉटेड, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपको यूज़ कैसे करना है, आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे ग्रूव ना लिख के यहाँ पे नन कर देना, तो ये नन हो जाएगा। अगर आपको सबका सबको डैशेस्ड यूज़ करना है तो आप सिंपल डैशेड डैश्ड में जा सकते हो, सारे को डैश्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सबको डैश्ड यूज़ कर सकते हो आप जाके, या डॉटेड यूज़ कर सकते हो, इस टाइप से आप एडिट भी कर सकते हो। ये डैशेस्ड हो गया। फिर अगर मुझे डैश्ड सॉलिड करना है, मुझे डैश्ड सॉलिड ना करके मुझे डॉटेड सॉलिड करना है तो डॉटेड सॉलिड हो जाएगा। डॉटेड सॉलिड कैसे होता है, डॉटेड सॉलिड तो वो पूरा डॉट बन जाएगा और वो अपने आप को कवर कर लेगा, तो ये डॉटेड सॉलिड हो गया, ठीक है, ये डॉटेड है। फिर अगर मुझे यहाँ पे डैश्ड सॉलिड करना हो तो डैश्ड सॉलिड कर देंगे, डैश्ड सॉलिड हो गया इस टाइप से, और डैश सिर्फ लिखते तो डैश हो गया। तो इस टाइप से आप एडिट कर सकते हो अपने लाइक बॉर्डर को, फिर बॉर्डर में लाइक बॉर्डर स्टाइल नन है, हिडन है, सॉलिड है, ग्रूव है, रिजिस है, इनसेट है, आउटसेट है, तो यहाँ पे आप लोग तो देख सकते हो। इसका लिंक है लाइक देख सकते हो developer.mozilla.org /css/bordersstyle। उसके बाद है हमें पढ़ना बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विद इथ कलर स्टाइल, बॉर्डर विद इथ 10 पिक्सल दे दिए, तो ये तो हमने पढ़ा था ना, हाँ ये हमने पढ़ लिया। बॉक्स मॉडल में यहाँ पे हाँ ये चीज़ बताना है, यहाँ पे क्या क्या होता है ना, लाइक अगर मैं 30 पिक्सल पैडिंग लेफ्ट देता हूँ, मैंने पैडिंग को 30 पिक्सल दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने पैडिंग को 30 पिक्सल दिया, एंड पैडिंग राइट को भी मैंने 30 पिक्सल दे दिया, पैडिंग राइट को मैंने 30 पिक्सल दे दिया, ठीक है, एंड बॉर्डर लेफ्ट को, बॉर्डर लेफ्ट को मैंने अगर यहाँ पे 20 दे दिया है, यहाँ पे बॉर्डर को मैं अगर 20 देता हूँ, ठीक है, और फिर इधर भी बॉर्डर राइट को भी मैं 20 देता हूँ, ठीक है, ये बॉर्डर को दे दिया, एंड फिर यहाँ पे देखिएगा 30 30 20 20, यहाँ 500 पिक्सल यूज़ किया है। कैसे यूज़ किया है, 30 30 प्लस 30 प्लस 30 कितना हो गया, 60 हो गया, 60 एंड +20 +20 40 हो गया, तो ये इस टाइप से यूज़ किया, टोटल विद इट को यूज़ किया, लाइक 30 प्लस 20, तो ये टोटल हो गया 50 इसका, ठीक है, 30 प्लस 30 60 एंड 60 20 प्लस 20 वो 100 हो गया, ये यहाँ पे 50 हुआ, यहाँ पे 50 हुआ, यहाँ पे टोटल वैल्यू ये हो गया 50, पैडिंग और बॉर्डर को मिला के, यहाँ पे पैडिंग और बॉर्डर को मिला के 50, तो ये टोटल 50 हो गया, तो 50 50 100 हो गया, एंड ये अगर इस पूरे विद्युत को हम लोग अगर देखें, ये दोनों विद्युत को मिला के लेंगे तो 100 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 100 होगा, 100 विद्युत, एंड यहाँ भी 100 विद्युत, इस टाइप से फोर साइड में हम लोग 100 विद्युत, 100 100 100 100, ये चारों तरफ 100 विड्थ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसे लिख सकते हैं 500 पिक्सल टोटल विद्युत, तो 500 टोटल विद्युत, 400 विद्युत है, एंड 5 पिक्सल टोटल विद्युत है, इस टाइप से काउंट करके होता है,
ठीक है, प्लस करके, या तो ये एरर है, या तो ये गलती दिया हुआ है, या तो कोई वैल्यू में प्लस करने के लिए होगा। 30 प्लस 30 60, एडिंग लेफ्ट एंड राइट 60 हो गया। लेफ्ट ठीक है, राइट दिया है 30, ठीक है 30 30, एंड फिर 20 20 बॉर्डर लेफ्ट एंड राइट दिया है, तो लेफ्ट 50 50 तो इधर हो गया, 30 और प्लस 50 50 है। कुछ है एरर होगा, आप देख सकते हो, बस ऐसे ही प्लस करके होता है। ठीक है, अगर वही मार्जिन को होता तो मार्जिन को भी हम लोग टोटल कुछ लेंथ देते, इसको 10 पिक्सल, तो ये 110 हो जाता, फिर ये 110 हो जाता। और ये 100 कैसे हुआ है, यहाँ पे 30 यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे 30 यूज़ किया हुआ है, इस टाइप से, तो टोटल 60 हुआ। तो इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो, लाइक मैं एडिंग नहीं बताऊँगा कि कैसे यूज़ कर। आप सिंपल यहाँ पे जाके आप बॉक्स मॉडल क्या सम करना होगा, यहाँ पे क्या सर्च करना होगा, लेंथ ऑफ सम बॉर्डर पैडिंग एंड मार्जिन, लाइक इस टाइप से बॉक्स मॉडल लेंथ ऑफ सम बॉर्डर पैडिंग मार्जिन, इस टाइप से सर्च कर सकते हो, मतलब खुद से ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बॉक्स मॉडल है स्टिकी फूटर, हीरो कवर, कलेक्शन ग्रिड, फीचर लिस्ट, हॉली ग्रेल एंड फ्लूड ग्रिड, एंड प्राइजिंग टेबल एंड सिंपल ग्रिड। इसे मैं आज थोड़ा से अच्छे से बताऊंगा। देखिए ये चीज़ देखिए, ये अच्छी देखिए, रिजल्ट नन है, हिडन है, डॉटेड है, डैश है, सॉलिड है, डबल ग्रुप। अगर मैं इसे बताऊं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसे लिख रखा है, तो क्योंकि इसे मुझे एक्सप्लेन करना होगा कैसे करूंगा। स्टिकी फूटर है, हीरो कवर है, एग्जाम्पल ऑफ स्टिकी फूटर एंड हीरो कवर, एग्जाम्पल ऑफ स्टिकी फूटर एमडीएम, स्टिकी फुटर इस टाइप से होता है। देखिए ये एग्जांपल समझना बहुत ज़रूरी है सीएसएस में, जब भी हम लोग कोड करेंगे तो इस टाइप से समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आप खुद को अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को पता चलता है, ऊपर ले आता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, तो सॉरी, तो स्टिकी फुटर से दिस इज हेडर है, एंड स्टिकी फुटर, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्टिकी फुटर, स्टिकी फुटर का मतलब ये जो फुटर है ना, ये एक चेंज नहीं होने वाला, ये ऊपर में हमेशा अलाइन ही रहेगा, ये रहेगा ही ऊपर में, ठीक है, इसे स्टिकी फुटर कहते हैं। अगर मैं इसे फिर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ और अच्छे समझ आए, हीरो कवर, तो यहाँ पे हीरो कवर करता हूँ, हीरो कवर ले ना, बता दो, एरर बता दिया, हीरो कवर नहीं, हीरो कवर, हीरो कवर यार सॉन्ग नहीं चाहिए मुझे, CSS MDA, ठीक है, तो हीरो कवर आप लोग ये सिंपल देख सकते हो, हीरो कवर कैसे यूज किया जाता है, तो ये हीरो कवर है, हाँ हीरो कवर नहीं दिया हुआ है क्या, हीरो कवर होता है, आप ऐसे सर्च कर सकते हो। फिर उसके बाद है कलेक्शन स्टिकी फुटर, तो समझ गया ना कि ये जो फुटर है ना वो स्टिकी रहेगा। हीरो कवर का मतलब क्या होता है ना, हमने कोई इमेज यूज करते हैं, तो वो इमेज क्या होता है, वो वहाँ पे वो पूरी तरह से वो उस वेब लाइक हमारे वेब पेज को वो कवर कर लेता है, तो वो हो जाता है हमारा हीरो कवर। कलेक्शन ग्रिड क्या होता है, कलेक्शन ग्रिड होता है लाइक हमने बहुत सारे लाइक अगर मैं ऐसे एग्जांपल दिखाऊं, मैं क्योंकि जो है ना ये चीज़ यूज़ किया हुआ होगा कभी ना कभी, लेकिन एग्जैक्ट किस टाइप से होता है, कलेक्शन ग्रिड CSS इंडियन कलेक्शन ग्रिड, ये ग्रिड का एग्जांपल दे रहा है, ग्रिड कैसे दे, तो ग्रिड का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, तो कलेक्शन ग्रिड यही होता है, कलेक्शन ग्रिड में आप हमने बहुत सारे चीज, ये ग्रिड का मैं बताऊंगा अच्छे से कैसे यूज किया जाता है ग्रिड को, 1 3 2 है ना, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ग्रिड में ऑटो फ्लो है, फिर ऑटो फ्लो में 1 दिया है, 2 बड़ा है, 3 उससे छोटा है, फिर ग्रिड में 1 और 2 3 के बराबर 2 है, तो ये ग्रिड का प्रॉपर्टी होता है। इस टाइप से आप लोग यूज कर सकते हो, इसके वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो, 30 दे दिए, 37 दे दिए, तो इस टाइप से आप लोग यूज कर सकते हो इसे। एंड फिर उसके बाद फीचर लिस्ट है, फीचर्स लिस्ट, अगर हमें कुछ CSS में फीचर्स लिस्ट चाहिए होते होंगे तो हम लोग फीचर लिस्ट के अनुसार यूज़ कर सकते हैं इस टाइप से। अगर हमारा वेब पेज है तो यहाँ पे हमारा फीचर्स आ जाएगा, और ये फीचर इस टाइप से भी हो सकता है या इस टाइप से भी हो सकता है, ये बड़ा बड़ा भी हो सकता है,
एंड ये छोटा भी हो सकता है। इस टाइप से हम लोग फीचर लिस्ट ग्रिड के अनुसार भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हॉली ग्रेल है, कुछ होता होगा नहीं पता, सर्च कर लीजिएगा। फीचर लिस्ट हमने डिस्कस कर लिया, कलेक्शन ग्रिड हमने डिस्कस किया ना, कलेक्शन के इस टाइप से हुआ करता है अगर, लेकिन ये स्क्वायर है एंड ये इस टाइप से एक बड़ा सा रेक्टेंगल है एंड यहाँ पे इस टाइप से ग्रिड हो जाता है। तो एक वेब पेज में हमारा इस टाइप से ग्रिड शो करेगा। तो ज़रूरी नहीं है इस टाइप से रहेगा, वो इस टाइप से भी रह सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग सर्च कर लेना। वो हीरो कवर पूरे पूरे लाइक इमेज को कवर, पूरे वेब पेज को हमारा इमेज कवर कर लेता है। स्टिकी फुटर, जैसे यहाँ पे बॉक्स मॉडल यहाँ पे लिखा हो, ये फुटर स्टिकी है, कहीं जा नहीं रहा इधर उधर, कितना भी इसे हम लोग ये कर ले लाइक मोबाइल फ्रेंडली कर ले, ये स्टिकी ही रहेगा। कुछ कुछ में क्या होता है ना कि हम लोग मोबाइल फ्रेंडली करते तो फुटर जो होता है वो चेंज होने लगता है। तो उस टाइप से फिर प्राइजिंग टेबल्स आ जाएंगे। प्राइजिंग टेबल्स में यहाँ पे प्राइस हो जाएगा, यहाँ पे उसका कुछ डिटेल्स रहेगा, कंटेंट रहेगा, प्राइजिंग टेबल सिंपल ग्रिड। तो यहाँ पे आप लोग सिंपल इसको सर्च कर सकते हो फ्लूड ग्रिड के अनुसार। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और लाइक न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड प्रोग्राम को लाइक एक बार लाइक आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो उसमें क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आपको क्या करना है, सिंपल उसमें जाके एक्सप्लोर करना है। ठीक है, आपको खुद से देखना है वो क्या क्या लाइक वैल्यूज प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या होता है ना, लाइक मैं न्यूटन स्कूल के लाइक हेल्प से ही मैं इस वीडियोज़ को ला पा रहा हूँ आपके सामने। आपको एक बार लाइक इसे देख लेना है, लाइक ये आपके आपको अच्छा लगा तो आप इसे देख भी सकते हो। आप यहाँ पे ये वीडियो देख सकते हो, ये अच्छे से एक्सप्लेन किया पे आफ्टर प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आप इस लाइक वीडियोस को रेफर कर सकते हो। आप tau.newtonschool.co/launchpad पे जा सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे मेंटर्स हैं, यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, यहाँ पे आपको कोई भी अपफ्रंट फी नहीं देना है। आपको सिंपल जब जॉब लग जाएगा, वो भी जॉब है कि लाइक आपको इससे एवब लगेगा तभी आपको देना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, अर्न फी 5 to 40 lakh आप अर्न कर सकते हो एंड 0 अपफ्रंट फी के साथ। तो 5 से एवब लगेगा तभी आपको देना है, ऐसे नहीं देना है। तो ये सब चीज़ है, यहाँ पे बेनिफिट है। यहाँ पे आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हो, और फुल स्टैक डेवलपमेंट ही तो चाहिए हमें। हमें करना ही क्या है कंपनी में जाके, हमें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम यूज़ करना होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है हमें हर एक चीज़ में। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फुल स्टैक डेवलपमेंट। हमें रिएक्ट करने होते हैं, हमें HTML करने होते हैं, CSS करने होते हैं, JavaScript करने होते हैं, हमें व्यू का यूज़ करना होता है, हमें MongoDB यूज़ करना होता है, हमें Node.js यूज़ करना होता है, हमें AWS यूज़ करना होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब फुल स्टैक में आते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ बताया जाएगा, बाय स्क्रैच बताया जाएगा। आपको एक भी पैसा नहीं देना है, एक भी रुपये नहीं खर्च करना है। आप जब प्लेस्ड हो जाओगे तो आप यहाँ पे लाइक पैसे दे सकते हो। और अप्लाई फॉर फ्री है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। सिंपल कोई भी क्वेश्चन हो, आप यहाँ पे डिस्कशन फॉरम होगा, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो। नंबर्स दिए हुए हैं, कॉल कर सकते हो, हर एक चैनल पे आप लोग कॉल कर सकते हो। और भी प्रॉब्लम हो तो आप सिंपल कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।